अभी हिम्मत मत हारना, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने ये कहा था कि तेरे बस का नहीं है, अभी उनको इतिहास लिखकर दिखाना है। जय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अक्सर फैमिली में, हमारे समाज में, स्कूल कॉलेजेस में क्रिटिसाइज किया जाता है कि तू कमज़ोर है, तू बेवकूफ़ है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसे ही एक एस्पिरेंट हैं मगर आप दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप MBBS करें, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। तो अक्सर आपने देखा होगा TV सीरियल्स में, मोटिवेशंस वीडियोज़ में, कि इतिहास वही लिखते हैं जो पागल होते हैं। आपसे पहले जिन्होंने इतिहास लिखा है उन सभी को लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, चाहे वो आइंस्टीन हो या जो अदर आपके फेवरेट साइंटिस्ट होंगे या जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है, कुछ अच्छा किया है, लोगों ने उनको हमेशा से क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि ये लोगों का धर्म है, आपका कर्म है कि आप उनकी बातों को सुने और अपने आप से वादा करें कि बेटा आज तू बोल ले, एक दिन मेरा समय बोलेगा। आप जो आपको आज बोल रहे हैं ना कि बेटा ये वो, एक समय आएगा जब आपको 500 रुपये फीस देंगे और फिर ये आपके पास आएंगे, बेटा मुझे देख लो, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट कर दो। तो ये वादा करें कि जो आज आपको मजाक बना रहे, एक समय आपके पास ट्रीटमेंट कराने आए, इतना मेहनत करना है आपको। तो सवाल आता है कि सर आपकी बातों से हम सहमत हैं, हम MBBS करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें सर, मेरा तो बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, मैं तो वीक हूँ, इसी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। तो कैसे अपनी वीकनेस पे हम कवर करें, इसको अच्छे से स्ट्रांग करें और नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, मैं बहुत सिंपल शब्द में कुछ बातें बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि नीट एग्ज़ाम में कौन अच्छा स्कोर करेगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये कभी मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, तो उस कंडीशन में आप बेस्ट कैंडिडेट हो नीट के लिए। देखिए, नीट की तैयारी करने के लिए आपके पास दो बुक होनी चाहिए, एक तो आपके NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और 12th की, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो चाहे अरिहंत की हो, MTG की हो, किसी भी पब्लिकेशन की है। अगर आपके पास ये दो बुक है तो आपके पास सफिशियंट चीज़ें हैं। समय अभी भी 5 मंथ का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मे बी जून, एग्ज़ाम जुलाई तक शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि अभी के माहौल दिख रहे हैं, क्योंकि आप जनवरी में हैं और अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मैं जून चलता हूँ मानकर कि अगर लास्ट जून में होगा तभी आपके पास 5 मंथ हैं और इन 5 मंथ्स को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपको आपकी मंजिल मिले। कभी भी रिजल्ट पे फोकस ना कर आपको अपने फोकस करना है कि कैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। आपने NCERT की बुक्स ले ली, सबसे पहले NCERT की बुक को एज लाइक स्टोरी पढ़ लें, बिना कुछ सोचे समझे क्या है क्या नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा, कुछ भी भूल जाइए सब चीज़ें। कोशिश करें कि कम से कम जितना पॉसिबल हो आप पढ़ें और जितना भी पढ़ें उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बराबर समय दें और लगातार पढ़ें। किसी भी एक सब्जेक्ट को स्किप ना करें कि भाई फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको तीनों ही सब्जेक्ट पर बराबर समय देना है। एक बार सारी बुक स्टोरी लाइक पढ़ लें, ना लिखें ना पढ़ें, कुछ भी ना, सिर्फ स्टोरी पढ़ना आपको, जो भी NCERT की एक एक लाइन आपको पढ़नी है। अब आती है सेकंड टाइम। अभी क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है तो आपके बेसिक थोड़े बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा कि किस चैप्टर में क्या है, दोबारा फिर से वही प्रोसेस अपनाइए और इस बार अपने हाथ में पेन लीजिए, जो अच्छा सो मार्क कर लीजिए और अपनी एक कॉपी पे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, इम्पॉर्टेंट जो भी डेरिवेशंस, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, समझने का प्रयास अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ लिखना है, जो समझ में आए समझिए, ना आए छोड़ दीजिए। थर्ड टाइम आपको फिर जाना है। अभी क्या होगा, जब आपने एक बार पढ़ लिया था, आपने एक बार समझ लिया था, तो अब जब आप थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और अब स्टार्ट करें। अगर कोई थ्योरी या कोई फार्मूला या कोई डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आपके हाथ में है एक एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन का काम क्या है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता है अगर आप यूज करें, और अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करें, लाइक अपना टाइम आप बाबू सोना मेरे बच्चा पे देंगे, तो आप बहुत पीछे भी रह सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आप इसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो आपको ना तो पैसा देना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बहुत आसान सा रास्ता है, जो भी टॉपिक समझ में ना आए, चाहे वो गॉस का थ्योरम हो, चाहे वो मेंडलीफ्स लॉ हो, चाहे वो मेंडल से रिलेटेड कोई नियम है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, किसी भी जितनी भी टॉपिक्स आपके बुक में हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चुपचाप YouTube सर्च बार में जाएं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखें और सर्च कर लें।
आप देखेंगे कि आपके सामने 500 वीडियोस आ जाएंगी डिफरेंट लैंग्वेज में, यानी ये भी लफड़ा ख़त्म कि हिंदी में इंग्लिश में है, आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे आपको उस वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। स्टार्टिंग की 5-6 वीडियोस जिसमें रेटिंग अच्छी हो, व्यूज़ अच्छे हो, आप उस वीडियो को चुपचाप ओपन करें, उसमें टीचर आपको अच्छे से समझाएगा, उसको समझें और फिर अपने दिमाग से जो आपके बुक में उसको समझने का प्रयास करें और फिर आगे बढ़ें। ऐसे एक एक कर कर आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, बिना एक पैसा खर्चा किए हुए आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर MTG या फिर जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम प्रीवियस के 10 ईयर, दैट मीन्स 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ऐसे करके प्रीवियस 10 ईयर की बुक्स को लगातार सॉल्व करें। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, लेकिन बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो ना लगे उसको फिर से पढ़ो और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्टिंग में आपको एक सेट लगाने में 8-10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा एग्जाम से पहले आप जो है वही सेट 6 घंटे से कम समय में 4-3 घंटे और एक इवन एग्जाम से पहले आप उसको 3 घंटे या 2 घंटे 50 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। आप मेरी बातों का विश्वास करें, जिस दिन आपने एक्यूरेसी पकड़ ली, स्पीड मेंटेन कर लिया, उस दिन आपको नीट एग्जाम में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हर एक बच्चा, वो गांव में है, शहर में कहीं भी रहता है, आपके आसपास एक दो गांव में कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है जो कहीं ना कहीं पोस्टेड होता है, गवर्नमेंट में रिटायरमेंट हो चुकी होती है या पढ़ा रहा होता है, तो ऐसे लोगों को भी आप टारगेट करें। जो भी आपका स्कूल का सब्जेक्ट टीचर है, जो भी सब्जेक्ट टीचर है, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि भैया मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, आप प्लीज़ मुझे समझा दें। कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे अपने आसपास किसी रिलेटिव से, जो आपके भैया हैं, अंकल हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इवन वो आपके बाबा या ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 10 साल फिजिक्स पढ़ाई होगी, 20 साल पढ़ाई होगी, रिटायरमेंट हो गया है और वो घर में रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट करें और उनसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। होगा कई बार वो लोग क्या करते हैं कि आपको पढ़ाने से मना करते हैं कि बेटा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आपकी रिक्वेस्ट में वो पावर है कि वो किसी को भी आपके आगे झुकने पर विवश कर देगा। रिक्वेस्ट करें और बताएं कि बाबा मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि 10 लोग अगर आप उनके पास जाएंगे तो एक तो मदद करेगा करेगा, क्योंकि अभी आपको MBBS करना है तो अभी हंस ले और लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं है, अपने फोकस करिए और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये रास्ता बताया जो आप सभी को करना चाहिए। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे पढ़ना है ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मैं आपको घंटे नहीं बताऊंगा, 5, 6, 8, 10 जितना भी आप पढ़ पाएँ, क्योंकि 6 महीने का समय, 5 महीने का समय है, तो इन 5 महीने में इतिहास लिखना है तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम कंप्लीट सिलेबस को फिनिश कर पाएंगे। और हमें प्रयास ये करना है कि हमें मई लास्ट वीक से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना है। अगर ऐसा ना हो तो भी परेशान ना हो, क्योंकि हमें 1 साल समय लग जाएगा, लेकिन हम देर से जाएंगे, दुरुस्त जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके काफ़ी सवालों का अंत हुआ होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप जाएं कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें और आपके कमेंट्स का आंसर आपको दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।